हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस वेलकम बैक। तो चेक करते हैं आपकी पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है अभी इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, डीप थॉट्स क्या है आपको लेकर, और साईं बाबा या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी गॉड पर आपका बिलीव है, आपका भरोसा है, आपका फैथ है, श्रद्धा है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं या क्या मैसेज ऑलरेडी वो आपको दे रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी, आपके पर्सन का मैसेज चेक करूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपसे। बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, मैटर नहीं करता, ठीक है। यह काफी दिन हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, ये भी हो सकता है कुछ लोग लिए, पर ये सब मैटर नहीं करता। क्या है आपकी पर्सन का थॉट्स, डीप इमोशंस, डीप थॉट्स आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे राइट नाउ। फर्स्ट मैसेज, सेकेंड, थर्ड, ओके, मैं पांच मैसेज निकालूंगी। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और निकालना चाहिए, पता नहीं क्यों, पर ऐसा मुझे फील हो रहा है, फीलिंग्स आ रही है कि आपकी पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो आपकी पर्सन का पहला मैसेज है आपके लिए, आई से आई डोंट केयर बट आई विजिट योर प्रोफाइल एंड सी योर लास्ट सीन एवरी डे व्हेन आई मिस यू। ओके, वैसे ये पर्सन कहते हैं कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आप दोनों की दूरियों से, आप दोनों के बीच जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उससे, आपसे बातचीत नहीं हो रही है उससे या कम बातचीत होती है उससे, पर इनको फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। जब भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं आपके प्रोफाइल पर जाकर, जिस भी सोशल मीडिया पर हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो आप, ओके, वहाँ पर जाकर आपका लास्ट लास्ट सीन जरूर चेक करते हैं हमेशा, ठीक है, जब भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। वाह, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग कहते हैं दिखाते हैं, रियल में वैसा होता नहीं है, आपके पर्सन का भी यही है। ओके, तो इनका नेक्स्ट मैसेज चेक करते हैं, नो चैट्स, नो कॉल्स, नो मेट्स, बट स्टिल आई स्टे यू इन माई ड्रीम एवरी नाइट। ओके, कोई कोई चैट्स नहीं है, बातचीत भी नहीं होती कॉल पर, और मीटिंग भी नहीं हो रही है आप दोनों का, पर फिर भी ये पर्सन हमेशा आपको देखते हैं, डेली आपको देखते हैं, हर रात को आपको सपनों में देखते हैं, अपने ड्रीम्स में देखते हैं अभी भी। ओके, दिल ही दिल में तुमको हम प्यार बहुत करते थे, यह भी सच है कि जमाने से बहुत डरते थे, चाहत का अरमान था, प्यास थी, काश आप हमारे होते, काश आप हमारे होते। ओके, एक बार और पढ़ूं क्या, दिल ही दिल में तुमको हम प्यार बहुत करते थे, यह भी सच है कि जमाने से बहुत डरते थे, चाहत का अरमान था, प्यास थी, काश आप हमारे होते, काश आप हमारे होते। आप दोनों के बीच कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली वाला प्रॉब्लम थी क्या या है राइट नाउ। ओके, तो आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ओके, कह रहे हैं आपसे, अगर ये पास्ट के पर्सन है कि आपसे प्यार बहुत करते थे, ओके, इनका जो प्यार था आपके लिए वो ट्रू था, सच्चा था, आप मानो या ना मानो, पर ये भी सच है कि ये सोसाइटी से, लोगों से, जमाना क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सब क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, स्पेशली उससे बहुत डरते थे, ठीक है। इनको फर्क पड़ता था इससे कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ओके, तो इनका अरमान था, इनका वेज था कि आप इनके होते, ओके, कह रहे हैं कि काश आप इनके होते। ये भी एक शायरी है, एक चाहत जगी है दिल में, जरा नजदीक से तुझे चाहने की, तेरी गोद में सर रख कर तेरे ही ख्वाबों में खो जाने की,
राइटिंग पर मत जाइए बिल्कुल. ओके गाइस, आई एम सॉरी, मेरी राइटिंग आपको समझ भी नहीं आ रही होगी. ओके तो दोबारा पढ़ देती हूँ मैं. एक चाहत जगी है दिल में, जरा नज़दीक से तुझे चाहने की, तेरी गोद में सर रख कर तेरी ही ख्वाबों में खो जाने की. ब्यूटीफुल मैसेज ना. नेक्स्ट मैसेज क्या है? तो पता चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ये जो है आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ, बातचीत नहीं हो रही है तो. ओके या होती भी है फिर भी आप इस पर्सन के माइंड में हमेशा होते हो, हमेशा इनके माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है आपकी कनेक्शन को लेकर, आप को लेकर. तो आप जान सकते हो कि ये पर्सन कितना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं. इनका अगला मैसेज है, देन एवरी मॉर्निंग माई डे स्टार्टेड विथ योर मैसेज एंड एंडेड विथ योर कॉल, बट नाउ माई डे स्टार्ट्स विथ होप एंड एंड्स टीयर्स. ओके, पहले क्या होता था जब आप दोनों टच में थे, कॉन्टैक्ट में थे, तो इनकी मॉर्निंग, इनकी सुबह आपके मैसेज के साथ स्टार्ट होती थी. ओके, शुरुआत होती थी इनकी दिन की, इनकी सुबह की, और आपके कॉल के साथ ही इनका जो दिन का, पूरा दिन का एंड होता था. पर अब क्या होता है, अब जब बातचीत नहीं हो रही है तो इनका डे, इनकी सुबह एक आशा के साथ, एक होप के साथ शुरू होती है कि आप इनसे बातचीत करोगे, आप दोनों के बीच बातचीत होगी, या आप इनको कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे, कॉल्स करोगे. पर या किसी होप से होती है, किसी तरह का होप से तो होती है, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ करोगे, आप दोनों के बीच बातचीत होगी, मीटिंग होगी, किसी तरह का होप होता है इस पर्सन को, किसी तरह का आशा होता है आपके कनेक्शन को लेकर आपसे. ओके, पर जब बातचीत नहीं हो रही है या जब आपका मैसेज, कॉल, टेक्स्ट इस पर्सन को नहीं मिलता, तो आंसू के साथ इनका दिन का एंड होता है, इनका डे का एंड होता है. I stopped messaging you, but I could not stop missing you. I think इस पर्सन ने आपको मैसेज, चैट, कॉल करना छोड़ दिया है, स्टॉप कर दिया है, पर इस पर्सन ने आपको मिस करना नहीं छोड़ा है. ओके, कह रहे हैं आपसे कि मैंने तुम्हें मैसेज करना स्टॉप कर दिया है, पर तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें मिस करना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रहे हैं आपको मिस करना. नेक्स्ट मैसेज है इनका, आई एम नॉट हैप्पी विथआउट यू. मुझे ना आपके पास्ट के पर्सन लग रहे हैं, या तो बातचीत बंद है आप दोनों के बीच. ठीक है, तो खुश नहीं है आपके बिना. अगला मैसेज है इनका, यू आर माई लाइफ इज नॉट विथ मी. आप इनके लाइफ हो, इनकी दुनिया हो, इनके जहां हो, इनकी जिंदगी हो, और इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी ही इनके साथ नहीं है. ओके, तो ये रहा आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, डीप इमोशंस. कैसी लगी इनका मैसेज आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कमेंट बॉक्स में. आपसे रेजोनेट हुआ कि नहीं, आपने टच किया कि नहीं इनके मैसेजेस को. ओके, ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस आप देख पाओ. तो अब चेक करते हैं साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, आपकी लव लाइफ से, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपकी पर्सन को लेकर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, या आपकी कनेक्शन को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं साईं बाबा. क्या है साईं बाबा का मैसेज आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा आपको. प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, एवं भरोसा बनिए. ओके, तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो आप पर भरोसा करते हैं, जिनको आप पर भरोसा है, उनका भरोसा कभी मत तोड़िए. ओके, आपकी फैमिली, आपकी लव्ड वंस, जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, उनका भरोसा बनाए रखिए. आप मानो ना मानो, पर आप में वो क्वालिटीज़, वो गुण, वो काबिलियत है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सको, लोगों की लाइफ में लाइट ला सको. ओके, भले ही आप
भले ही आप मानो या ना मानो, पर रियल में आप में ये क्वालिटीज है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है। कभी कभी हमें ही नहीं पता होता कि हम में क्या क्वालिटीज है, हम अपने गुण को देख नहीं पाते हैं। ओके, किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से। तो आप में भी ये क्वालिटीज है, ये गुण है कि आपके वजह से लोगों के लाइफ में लाइट आ सकता है, आप लोगों का भरोसा बन सकते हो, जीत सकते हो। बहुत सारे लोगों को आपसे कुछ आशा है, भरोसा है कि, तो उनका भरोसा बनाए रखिए। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि लोगों का भरोसा, जो आप पर भरोसा करते हैं, जिनको आप पर आशा है, होप है, ट्रस्ट है, उनका भरोसा, होप, ट्रस्ट मत तोड़िए, कभी मत तोड़िए। ओके, और आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ में लाइट आ रही है तो क्या कहना है आपका, क्या ही तारीफ करूं अब मैं आपका। ठीक है, तो प्रकाश बने, प्रकाश बनने के लिए, लाइट बनने के लिए कहा जा रहा है आपको। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, किसी भी फील्ड से हो सकते हो गाइस, पर रियल में आप में वो क्वालिटीज है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो गुण है कि आपकी वजह से औरों के लाइफ में लाइट आ सकती है। ओके, तो ये करिए। किस तरह से करना है ये आपको ज्यादा पता है। ओके, किस तरह से आपको दूसरों के लाइफ में, औरों के लाइफ में, आपके अराउंड, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ में लाइट कैसे लाना है, या आपके वजह से कैसे उनके लाइफ में लाइट आ सकता है, आप देखिए। ओके, अगर कोई टेंशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, मायूस आपको दिखते हैं, या डिसअपॉइंट है अपने लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, किसी भी वजह से, ओके, तो आप उनसे बातचीत करिए, उनको मोटिवेट कीजिए, कम से कम उनसे बातचीत ही कीजिए। ओके, उनकी बात सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कोई कोई हमारा बात सुने। ओके, तो सुनिए, उनसे बात कीजिए, उनको काफ़ी अच्छा फील होगा। ओके, तो साईं बाबा यही कह रहे हैं आपसे कि प्रकाश बनिए। ओके, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।